नमस्कार दोस्तों, आप लोग ट्रैवल करते हैं? हम लोग ट्रैवल तो करते ही होंगे और लेटली हम लोग काफ़ी ट्रैवल भी करने लगे हैं। मैं आया हूँ स्पिति हिमाचल प्रदेश में और यहाँ से कज़ा जाते हुए मुझे एक बहुत प्यारा सा मैसेज दिखा था आया था स्पिति का। इस मैसेज की स्पेशलिटी ये है कि ये 1200 प्लास्टिक बॉटल से बनाया गया है। और एक फैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि कज़ा जो कि एक बहुत छोटा सा विलेज है स्पिति में, वहाँ रोज़ टूरिज़्म की वजह से ऑलमोस्ट 500 प्लास्टिक की बॉटल्स वेस्ट होती हैं। इनफैक्ट हम लोग इस बार खुद प्लान करके आए थे कि अपने स्पिति ट्रैवल को कोशिश करेंगे प्लास्टिक फ्री रखने की। उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स लिए थे, एक कि हम अपने साथ एक बड़ा सा कंटेनर लेके आए थे पानी का 20 लीटर का, जिसको हम बार बार रीफिल कर रहे हैं लोकली या फिर किसी फ्रेश वाटर स्ट्रीम से। सेकेंड, हम अपने घर से खुद ही बॉटल्स लेके आए थे, इनफैक्ट जितनी घर से ला सकते थे उन्हीं को हम रीफिल करके अपनी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। और थर्ड, हमने ये डिसाइड किया था कि हम पूरे हफ्ते भर के ट्रिप में कभी भी ऐसा कुछ भी खाने का सामान नहीं खरीदेंगे जो प्लास्टिक में पैक्ड हो। फॉर एग्जांपल बिस्किट या मैगी या कोक या कुछ भी ऐसा जो प्लास्टिक में पैक्ड हो, एक्सेप्ट फॉर अगर वो शीशे के बॉटल्स में आता है। तो आप लोग को बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि जब भी आप लोग ट्रैवल करते हैं रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल करिए, कोशिश करिए वेस्टेज कम से कम हो और हम जितना अपने फुटप्रिंट्स को कम से कम रख सके, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी बढ़ गई है। पिछले 4-5 दिनों से मैंने स्पिति में काफ़ी हैवी रेनफॉल और लैंडस्लाइड्स देखे हैं। इनफैक्ट विलेजर्स खुद परेशान हैं कि इतना हैवी रेनफॉल यहाँ होता नहीं है बिकॉज एक रेन शैडो एरिया। तो बस यही मैसेज आपको देना था कि वेस्टेज कम से कम रखिए और प्लास्टिक फ्री होने की कोशिश करिए, बिकॉज हमें सिर्फ इतना ही तो करना है।